जय हिंद। आज कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे मैं क्विकली आप लोगों का ध्यान जो है वो लाना चाहती हूँ। उधमपुर वालों का, आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन दिन प्रतिदिन कसता जा रहा है और स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। उसकी वजहें हैं, उसकी वजहें ये हैं कि हम लोगों ने अभी तक इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि कोविड हमें कितना नुकसान दे रहा। तो मैं आज आप लोगों के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ, जिससे मैं ये देखना चाहती हूँ कि उधमपुर वालों को समझ आ रही है कि कोविड हमें कितना नुकसान करके जाने वाला है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि कोविड से अगर आपको कोई इस समय बचा सकता है तो वो मास्क है, उसको दोहरा कर लें। पहले मैं एक मास्क पहनती थी, अब मैंने भी दो मास्क पहनना शुरू कर दिए। मैंने फेस शील्ड भी पहनना शुरू कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा। आप भी दोहरे मास्क कर लें। नंबर टू, हाथ वाथ ना मिलाएं, धो लें हाथों को। नंबर तीन, भीड़ में ना जाएं। मगर एक और चीज़ है जो आपको इस बारी कोविड से बचाएगी, वो है वैक्सीनेशन। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि वैक्सीनेशन जो है उसका एक सिंगल डोज भी आपको कोविड से बचाव कर सकता है। कुछ मेरे पास आंकड़े हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉक्स ने कोविड में वैक्सीनेशन में पहली डोज में क्या परफॉर्मेंस बताई। ब्लॉक बसंतगढ़ में अभी तक सिर्फ 53% लोग, 53% पीपल दे हैव टेकन द फर्स्ट शॉट ऑफ वैक्सीनेशन। मजालता में 69% लोगों ने पहला डोज ले लिया। रामनगर में 43% सिर्फ ने पहला डोज लिया है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 43% डोजेज से रामनगर कितना बच पाएगा। टिकरी 76% टिकरी ने कर दिया है। चनैनी ने 46% अभी तक टच किया है, 46% यानी 50% तक भी नहीं पहुंचे चनैनी में, और पंचेरी ने 55%। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरा उधमपुर 65% तक सिर्फ वैक्सीनेशन करवा पाया है 45 साल से ऊपर के लोगों का, जिसका मतलब ये निकलता है कि बाकी के लोग जिन्होंने एक भी डोज अभी तक नहीं लगाई, वो कोविड से अगर भगवान करे बचे रहें, अगर वो नहीं बचते हैं और उनको वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनके लिए जो है खतरे की घंटी ज़्यादा तेज़ बजेगी। और मैं भगवान से दुआ करूँगी कि उनको कुछ ना हो, मगर वैक्सीनेशन का पहला डोज आपको बचाएगा। दूसरी चीज़, हमने डॉक्टर से पूछो करके एक इनिशिएटिव शुरू किया है। डॉक्टर से पूछो मतलब अपने आप के लिए डॉक्टर मत बन जाइए, डॉक्टर की पढ़ाई किए हुए लोगों के साथ बात करिए और उनकी कही मानिए। अगर आपको बुखार आना शुरू होता है पहले दूसरे दिन तुरंत से टेस्ट करवा लीजिए। अगर आप वेट करते हैं कि ये जी हमारा मौसमी बुखार है, ये मुझे हर साल होता है, तो धीरे धीरे करके पाँचवा छठा दिन आपका आ जाएगा, जिसमें आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी, आपका बुखार हो जाएगा, आपके जो फेफड़े हैं वो लंग्स जो हैं वो भी अफेक्ट हो जाएंगे, और जब एक्सरे निकलेगा तो वो बहुत ज्यादा तबीयत जो है खराब कर चुका होगा। तो डॉक्टर से पूछो करके हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें कुछ नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं। 01992 272725 और दूसरा है 272729। ये दो ऐसे नंबर हैं जिसमें हमेशा डॉक्टर आपको मिलेगा, आप जब भी उनसे बात करना चाहें 24 घंटे डॉक्टर इसमें आपको मिलेगा। अगर आपके पास अपना कोई डॉक्टर नहीं है तो इन दो डॉक्टर से बात करिए, ये आपकी सारे सवालों का जवाब देंगे। ये हमने 24 घंटे की रोस्टर ड्यूटी पे डॉक्टर्स को बिठा दिया, ये कोविड की हेल्पलाइन है। मेरे को ये दिखने में आ रहा है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स घरों में खरीद खरीद के रख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स खरीद खरीद के रख रहे हैं। ये ऐसी मशीनें हैं जिनको आम आदमी इस्तेमाल न करे तो अच्छा, इसके लिए एक टेक्निकल जानकारी की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल घरों पर ना किया जाए। हम लोगों ने, हमें सरकार की तरफ से हिदायत है कि जितने भी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत महसूस होती है, हमने वहाँ पर कोविड केयर सेंटर्स बना दिए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में 5 सेंटर्स ऐसे टोटल फंक्शनल हैं, और इन 5 सेंटर्स में हमारी 525 से ज़्यादा की बेड कैपेसिटी है। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनके पास सांस की दिक्कत आ रही है, जिनको दूसरा, जिनके पास टॉयलेट्स जो हैं वो एक ही हैं, यानी जो पॉजिटिव है वो भी वही टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है और जो नेगेटिव हैं घर के लोग वो भी वो टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तीसरा जो गरीब हैं जो पॉजिटिव हो गए हैं, उन सबको हम लोग ये कोविड केयर सेंटर्स में रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा भी कोई और चाहे तो इन सेंटर्स की फैसिलिटीज़ का वो फ़ायदा उठा सकता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ वो ये है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की जो लिस्ट है, पहले पहले ये लिस्ट हमारे बीएमओज और
हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों तक फोन पे बताया जाता था। अब कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की जो लिस्ट है हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और हमने यूएलबीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपल कमेटीज और काउंसिल्स के साथ उनके काउंसिलर के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। क्या वजह है? वजह यह है कि हमें ये देखने में आ रहा है कि जिन लोगों को होम आइसोलेशन पे रखा जाता है वो लोग बाजार जा रहे हैं, जिनको होम आइसोलेशन में स्ट्रिक्टली रहना चाहिए यानी कमरा भी छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो आपको शादियां अटेंड करते कई बार ही नजर आ जाते हैं। लोगों को नहीं पता होता हमारे में से कौन पॉजिटिव है और वो पॉजिटिविटी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है क्योंकि लोग शादियों में भी अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मुंडन में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, किसी तरह की पब्लिक गैदरिंग में कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मेरा एक सुझाव सब लोगों के साथ ये है कि आपके PRIs को हम दे रहे हैं ये लिस्ट, वो PRIs मॉनिटर करने में हमारी मदद कर रहे हैं और मैं मुबारक देती हूँ उन PRIs का क्योंकि ये सुझाव भी हमें उनकी तरफ से आया कि हम भी मदद करना चाहते हैं सरकार की। सो ये एक चीज़ हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ जो बहुत सख्त हो गई है, अब 25 की तादाद हो गई है यानी अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है, कोई भी शादी है, कोई मुंडन है, 25 से लोग ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ये हम लोगों ने खुद मजबूरी में कर दिया सरकार को क्योंकि हम लोगों ने बात नहीं मानी। तो अब 25 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, चाहे बाहर है चाहे अंदर। जो हमारा एक सर्वे शुरू हो गया है हेल्थ वेरिफिकेशन का, वो मॉपिंग अप एक्सरसाइज है। इसके तहत हम लोगों ने हर जगह जाके हर दरवाजे खटखटाने हैं क्योंकि लोग जो हैं वो खुद से बता नहीं रहे कि हम बीमार हैं। तो हम लोग उनको घरों से जिनको भी देखेंगे, हमारी टीमें जाना शुरू हो जाएंगी कल से, जिनको भी देखेंगे कि वो बीमार हैं उनको CCC में लाने के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा और वहाँ पर हमारी मॉनिटरिंग में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एंड लास्टली लॉकडाउन कर्फ्यू, आप कोई भी उसको नाम दे दें, कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू है। इसमें सिर्फ हमारी सब्जियां, हमारे दूध और मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। मुझे पता है कि ग्रोसरीज की ज़रूरत है लोगों को, जो रोज़मर्रा के कामकाजी लोग हैं, स्पेशली दिहाड़ीदार जो मजदूर हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं ग्रोसरीज थोड़ी देर के लिए आपको कुछ घंटों के लिए अगले एक आध दिन में खोलना शुरू कर दूंगी, बट एट द सेम टाइम मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सबको कि कोशिश करें कि सपोर्ट करें एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि अगर ये एक हफ्ता एक दस दिन हमारे कंट्रोल में आ गए, हमारे केसेस कम हो गए तो हमारी जानें बच जाएंगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगला साल देख पाएंगे। जय हिंद।